खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां देर रात चार बदमाशों ने बालाजीपुरम शंकर चौक पर एक घर के बाहर जमकर हंगामा किया और घर मालिक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। फायरिंग की घटना में फरियादी बाल बाल बच गया, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी माधवगंज थाने में दी गई और पुलिस ने देर रात इस घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं देर रात हुई इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी फरियादी के घर आते और बाहर निकलते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शंकर चौक पर रहने वाले मनोज गुर्जर का दिन में विक्रम तोमर और सोनू यादव से विवाद हुआ था, जिसके बाद देर रात दोनों आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ फरियादी मनोज गुर्जर के घर पहुंचे और फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें मनोज गुर्जर गोली लगने से बाल बाल बचे। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष माधवगंज थाने में पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में विक्रम तोमर, सोनू यादव, राजा यादव और वीर तोमर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक ये सिरोल क्षेत्र का जिला बाजार था, जिसको कि जिला बाजार अवधि में ही घूम रहा था, जिसे पकड़ा गया है और इसको अब कार्रवाई करके ऐसे जेल में